नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा टैली का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और इशू किए हैं, 2 लेक्चर मेरे हुए हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने जो असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को करने के लिए, उसका असाइनमेंट्स की जर्नल एंट्री, उसका आंसर मैं इसमें शो करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये अकाउंट्स का बेसिक ही अभी चल रहा है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट है जो लास्ट टाइम में हमने दिया था। कैपिटल 5 लाख रुपये, सॉरी 50 लाख रुपये, बैंक डिपॉजिट 25 लाख रुपये, बैंक विड्रॉल 5 लाख रुपए, बैंक डिपॉजिट 30,000, परचेज बैंक 40,000, परचेज एबीसी 50,000। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज आप 3 जगह से परचेज कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। एक को आपने 30,000 रुपीज़ कैश दिया, दूसरे को आपने 40,000 का चेक दिया, इसलिए ये आपका परचेज फ्रॉम बैंक हो जाएगा, और तीसरे को आपने कुछ नहीं दिया, आप उससे ऑन क्रेडिट उधार में परचेज कर रहे हैं, इसलिए उस पार्टी का नाम लिखेंगे आप, और उस पार्टी का नाम हमने एबीसी मान रखा है। नेक्स्ट, अगेन ऐसे ही हमारा सेल्स कैश, सेल्स बैंक, सेल्स एक्स वाई जेड। देन दोस्तों, फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा 40,000 का है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, किसी भी वस्तु की वैल्यू में कमी आना। ह्रास, किसी भी असेट्स की वैल्यू में कमी आना। तो दोस्तों, ये असेट्स की, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी बाइक है, बाइक क्या है, आपका एक असेट्स है, एक प्रॉपर्टी है, उसको आपने 1 लाख में ख़रीदा, और 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो वो कम मिलेगी। अगर उसको बेचना चाहेंगे आप तो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लगेगी। तो इसमें जो वैल्यू कम हुई है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, उस असेट्स पे वैल्यू का ह्रास होना। नेक्स्ट, इसी तरह से दोस्तों हमारा लैंड है, 2 लाख का हमने ज़मीन ख़रीदा, और नेक्स्ट ईयर जब हम कंपनी उसका इवैल्यूएशन कर रही है, अपने प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन कर रही है, तो उस पर एप्रिसिएशन लगा हुआ है। एप्रिसिएशन, ये आप दोस्तों, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इसी तरह से वैल्यू में बढ़ना होता है, ये प्रॉफिट होता है एक तरह से। तो इस पर 40% एप्रिसिएशन लगा हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट, कस्टम चार्जेस, गोडाउन रेंट, वेजेज, सैलरी, फ्यूल, कोल गैस एंड वाटर, इंपोर्ट चार्जेस, एक्सपोर्ट चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, लॉ चार्जेस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दोस्तों कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है वो भी एक्सपेंस है, सैंपल एक्सपेंस, कंपनी सैंपल के तौर पे लोगों को कोई भी सामान बंटवाती है। जैसे दोस्तों, आप लोग मार्केट में कभी टहलने जाते होंगे, कुछ खरीदने जाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नवरत्न के 1-1 रुपये वाले छोटे पाउच जो बंटवाए जाते हैं फ्री सैंपल, उसी तरह से सैंपल एक्सपेंस है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव किया, दोस्तों ये दोनों कंपनी के लिए इनकम है। और फ्रेट, फ्रेट दोस्तों भाड़ा होता है। तो ये हमने असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को, अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे कैसे हुई है। दोस्तों, ये आपकी कैपिटल की एंट्री है,
ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, ये आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दोस्तों डेबिट हमेशा ऊपर रहता है और कैपिटल क्रेडिट हमेशा नीचे होता है। दोस्तों एक हमने चार्ट बताया था यहाँ पे, ये बस इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखेंगे तो कभी भी डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, दोस्तों कंपनी की तरफ जो भी सामान आएगा उसे डेबिट करना है और कंपनी से बाहर जाएगा उसे क्रेडिट करना है। कंपनी में जो भी सामान प्लस होगा उसे डेबिट करना है, कंपनी से जो भी माइनस होगा उसे क्रेडिट करना है। और जब आप लोग कंप्यूटर में करेंगे दोस्तों तो डेबिट शो करता है 22 से और क्रेडिट शो करता है 2 से। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ पे क्रेडिट के साथ में यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना होता है, 2 से पता चलता है कि हमारी क्रेडिट वाली चीज़ है। और डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट रहेगा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट रहेगा। यहाँ से ये ऐसे दोस्तों ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री करने के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन लोगों को इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही अच्छी इसकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से वो लोग कंप्यूटर पे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारा बैंक डिपॉजिट का। बैंक डिपॉजिट का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कैश कंपनी से बाहर जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कंपनी से बाहर जाएगा उसे हमें क्रेडिट करना है, तो कैश बाहर जा रहा है इसलिए हमने 2 के साथ लिखा हुआ है। मिल क्या रहा है, हमें मिल कुछ नहीं रहा है, बस हमारा बैंक अकाउंट थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसे हमें डेबिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद दोस्तों बैंक विड्रॉल की एंट्री है, बैंक बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ये हमने कैश रिसीव किया यानी कि कंपनी में कैश आया। ये देखिए जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, कंपनी में कैश आ रहा है तो इसको डेबिट कर लिया। टू बैंक, बैंक अकाउंट हमारा लेस हो गया तो इसको हमने क्रेडिट कर दी। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस जगह पे क्रेडिट नहीं लगाना है, यहाँ पे ऊपर डेबिट लगेगा। अब हमने कुछ परचेज की, खरीदारी की, 40,000 30,000 रुपये की सॉरी। ये दोस्तों परचेज हमने कैश से किया था, इस 30,000 को हमने तुरंत का तुरंत कैश पेमेंट कर दिया था। तो इसलिए देखिए हमने सामान परचेज किया, गुड्स रिसीव हुआ हमारे पास यानी कि परचेज अकाउंट रिसीव हुआ, टू कैश, कैश हमारे पास से चला गया। इसके बाद हमने अगली जो खरीदारी की दोस्तों वो हमने बैंक से की, यहाँ पे गलत एंट्री हुई है, कैश की जगह पे यहाँ पे बैंक लगेगा। बैंक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। फिर भी हमने परचेज किया, हमने चाहे हम चेक दें चाहे हम कैश दें या हम उधार में लाएं, परचेज तो हमारा तीनों ही कंडीशन में डेबिट होना ही है दोस्तों। तो यहाँ पे परचेज हमारा डेबिट हो गया और बैंक हमारा अगेन क्रेडिट हो गया। बैंक से पैसा हमारा यानी कि हमने उसको चेक दी तो बैंक से हमारा पैसा कटेगा इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। फिर हमने एक और परचेजिंग की, यहाँ पे परचेज डेबिट हुआ हमारा, परचेज हमारी तरफ आ रहा है, सामान आ रहा है, डेबिट हुआ। और यहाँ पे हमने कोई पेमेंट नहीं की, ना चेक से किया ना कैश किया, यहाँ पे हमने सामान उधार में लिया। दोस्तों जब भी हम सामान क्रेडिट पे लेते हैं तो उस पार्टी का नाम मेंशन करते हैं कि किस पार्टी से हमने सामान लिया हुआ है। तो ये हमने ABC पार्टी से सामान लिया हुआ है दोस्तों, तो ये ABC पार्टी हमारी क्रेडिट हो गई। वैसे भी दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स। तो रूल्स में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है और इसके अकॉर्डिंग ABC पार्टी हमारा क्या है, ये गिवर पार्टी है, इससे मैं सामान खरीद रहा हूँ इसलिए ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस वाले
रूल से भी देख सकते हैं और इस वाले रूल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सेल्स आता है। सेल्स कैश, सामान बेचा हमने, कैश रिसीव किया, कैश डेबिट हो गया, टू सेल्स सामान चला गया, हमारा कैश क्रेडिट सॉरी सेल्स सामान चला गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। यहाँ पे कैश नहीं लगेगा, ओनली सेल्स रहेगा। फिर हमने बैंक से सेलिंग की, यानी कि जो पार्टी जिसने हमसे सामान खरीदा उसने हमको चेक दिया, तो यहाँ पे गलत एंट्री हुई है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों ये स्टूडेंट का असाइनमेंट है और ये आप लोगों को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रॉन्ग है उसको मैं करेक्ट भी कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे क्या रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका, टू सेल्स सामान हम बेच रहे हैं, सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टू सेल्स बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो गई। इसके बाद से तीसरा पार्टी, तीसरा आदमी जो आ रहा है हमसे, इसके साथ भी वही कंडीशन है, ये हमको कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, ये हमसे सामान उधार में लेके जा रहा है। तो एक्स वाई जेड अकाउंट, एक्स वाई जेड इस पार्टी का नाम है, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारा सेल्स फिर से क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर हमने खरीदा 40,000 रुपये में, फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश हमारे पास से चला गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, वैल्यू फर्नीचर की कम हो रही है 10,000 रुपये। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू में कैश लगा देते हैं। दोस्तों कैश नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कैश हमारे पास से जा नहीं रहा है, टू कैश का मतलब कि कैश हमारे पास से जा रहा है, यहाँ पे कैश जा नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और इवैल्यूएशन करते समय हमने देखा कि फर्नीचर की वैल्यू में 10,000 की कमी आई है। तो कमी आई है चूंकि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और कमी किसकी वैल्यू में आई है, फर्नीचर की वैल्यू में, इसलिए फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो गया। दोस्तों ये जो एंट्री होती है, इस तरह की एंट्री, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कैश और बैंक कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, ऊपर भी और नीचे भी कहीं पे भी कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह की एंट्रीज को दोस्तों, इस तरह की एंट्री को हम लोग नॉन कैश ट्रांसैक्शन कहते हैं, जिसमें कैश और बैंक कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है, और इनकी एंट्री एक स्पेशल वाउचर में होती है, जब कंप्यूटर में करेंगे दोस्तों तब ये चीज़ आगे पता चलेगी। नेक्स्ट है लैंड, लैंड हमने खरीदा, कैश हमारे पास से चला गया 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश, टेलीफोन बिल, दोस्तों जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट होंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टम चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्यूल अकाउंट डेबिट टू कैश, कोल गैस एंड वाटर अकाउंट डेबिट टू कैश, इंपोर्ट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपोर्ट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दोस्तों ये दोनों ही चार्जेज हैं हमारे, इंपोर्ट चार्जेज, एक्सपोर्ट चार्जेज, इंपोर्ट करने पे जो चार्ज लग रहा है और एक्सपोर्ट करने पे जो चार्ज लग रहा है, चार्ज तो हम पे ही कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही हमारे डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। लैंडिंग चार्जेस, लॉ चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैंपल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
दोस्तों ये हमने रेंट रिसीव्ड बोला था, यानी कि ये रेंट हमें रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा तो कैश के रूप में हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, ये इनकम है कंपनी की। और दोस्तों यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन रिसीव्ड हो गया कैश। अब कमीशन रिसीव कर रहे हैं दोस्तों तो कैश के रूप में ही कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया आपका टू कमीशन रिसीव्ड। ये आपका जनरल एंट्री होगी दोस्तों। एक जनरल एंट्री और छूटी हुई है दोस्तों, एप्रिसिएशन की। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो लैंड अकाउंट डेबिट कर लेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है यहाँ पे टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड। टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड ये एंट्री हो गई दोस्तों, ये लैंड पे एप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। ये हो गया दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन का हमारा पूरा असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन हो गया। और आइए आगे हम एक असाइनमेंट्स दे देते हैं, असाइनमेंट्स और साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा दोस्तों। अब मेरे ख्याल से जो अकाउंट्स का बेसिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ, यानी कि टैली की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि टैली में कैसे वर्किंग होती है। तो असाइनमेंट्स आप लोगों को मैं दोस्तों, ये असाइनमेंट नंबर टू है आपका, इसको देखिए। कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल, परचेज कैश, परचेज बैंक, परचेज एबीसी, सेल्स कैश, सेल्स बैंक, सेल्स एक्स वाई जेड, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लैंड, एप्रिसिएशन ऑन लैंड, कोल गैस एंड वाटर, फ्यूल, लैंडिंग चार्जेस, लॉ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंपोर्ट चार्जेस, एक्सपोर्ट चार्जेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लाइसेंस फीस, ऑडिट फीस, परचेज रिटर्न, सैलरी, ड्राइंग। ये आपका असाइनमेंट हो गया दोस्तों। इस असाइनमेंट का आंसर, यहाँ असाइनमेंट नंबर टू का ये आंसर है। इसको दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको असाइनमेंट्स को पॉज करके एक एक असाइनमेंट्स कॉपी पे लिखें। कॉपी पे लिखने के बाद फिर जो हमने आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पे, जो हमने आंसर अटैच किए हुए हैं यहाँ पे, जो असाइनमेंट्स का आंसर दिया जा रहा है उसको पहले आप लोग करें। करने के बाद फिर आंसर से मैच करें कि आपका करेक्ट हो रहा है, राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। फिर जैसा हो वैसा आप लोग चाहें तो हमको मेल कर सकते हैं, मैं रिस्पांस दूंगा। दोस्तों ये है आपका बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल, परचेज कैश, परचेज बैंक, परचेज पार्टी, कैश सेल्स, बैंक सेल्स, एक्स वाई जेड सेल्स, फर्नीचर कैश, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड, कोल गैस एंड वाटर, फ्यूल, लैंडिंग चार्जेस, लॉ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश, कमीशन रिसीव। दोस्तों ये इनकम है इसलिए कैश रिसीव हो गया और कमीशन क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट में रिसीव होगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हमारा रिसिप्ट क्रेडिट हो रहा है। इम्पोर्ट चार्जेस, गलत स्पेलिंग है, इम्पोर्ट चार्जेस, एक्सपोर्ट चार्जेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लाइसेंस फीस, ऑडिट फीस, परचेज रिटर्न, सैलरी, परचेज रिटर्न की एंट्री गलत है दोस्तों। यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री दोस्तों हम लोग ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे 100% रिटर्न पॉसिबल है
वहाँ पे हम लोग मानेंगे कि हाँ वाकई में पर्चे रिटर्न हो रहा है। तो ये कैश पर्चे रिटर्न का मतलब ये है कि कोई ऐसा दुकानदार है जो कह रहा है कि अगर सामान पसंद नहीं आया तो सामान वापस करके हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब हम जाएंगे कभी भी दुकानदार के पास जाइए तो दुकानदार सामान को रिप्लेस कर देता है, कहता है कि कोई बात नहीं पसंद नहीं आया तो दूसरा ले जाइए, लेकिन पैसा नहीं वापस करेंगे दोस्तों। तो वो रिटर्न नहीं होता है हमारा, रिटर्न का मतलब कैश वापस होना, पैसा वापस होना। तो कैश बहुत ही कम वापस होता है। रियल इन्वायरमेंट में जब वर्किंग करेंगे वहाँ पे अगर कैश रिटर्न हो रहा है तो आप लोग कैश रिसीव टू पर्चे रिटर्न, कैश डेबिट टू पर्चे रिटर्न आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन जहाँ पे रियल इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि 100% कैश, 100% रिटर्न जहाँ पे हो वही रिटर्न हम लगाएंगे। तो दोस्तों जो हमने पार्टी से ख़रीदारी की है, यहाँ पे देखिए परचेज जो हमने किया हुआ है, परचेज ABC, ABC से हमने परचेज किया हुआ है, यानी कि ये परचेज हमारा उधार में है। तो दोस्तों ABC पार्टी को ही हम लोग रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो उधार में परचेज है वहाँ 100% रिटर्न पॉसिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों कैश रिटर्न के बजाय आपका ABC अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि ABC पार्टी से हमने खरीदा है, उधार में खरीदा है, इसलिए हम उसको सामान लौटा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि बाकी का पेमेंट जब हम करेंगे तो उसमें इसका पेमेंट लेस करके कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर था। अब इसी में असाइनमेंट नंबर 3 देख लीजिए, ये पूरा पॉज करके आराम से देखते रहिए। ये असाइनमेंट नंबर 3 है आपका, ये कंप्लीट यहाँ तक। ड्राइंग भी दिया है मैंने इसमें। दोस्तों ड्राइंग क्या होता है, जो जब कोई भी बिजनेसमैन अपने निर्धारित किए हुए कैपिटल में से कोई भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ में लेता है उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने कहा कि 5 लाख रुपए मैं बिजनेस पर्पज़ से ही लगाऊंगा, लेकिन हमें अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे मान लीजिए गाड़ी में कोई अचानक से खर्चा आ गया 30-40 हज़ार रुपये का, और उससे उसी पैसे में से हमने निकाल के अपनी गाड़ी ठीक करवा ली, तो दोस्तों वो हमारा ड्राइंग अकाउंट में जाता है। और इसके कई सारे लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग यानी कि पैसा विड्रॉ करता है कोई भी बिजनेसमैन। इसका ये आंसर है, ये इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन आप लोग पहले मत देखिएगा, पहले असाइनमेंट्स को सॉल्व करके फिर इसके बाद पॉज करके इसको आप लोग देखते रहिएगा आराम से, कहाँ पे गलती है, जहाँ पे गलती हो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर पे हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे कैसे मैनेज होंगी और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है दोस्तों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कंपनी से पैसा चला गया। और जब बिजनेसमैन ड्राइंग करता है उस समय वो बिजनेसमैन नहीं रहता है, कंपनी उसके लिए एक अननोन पर्सन हो जाती है, तो इसीलिए कंपनी से कैश जा रहा है और उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे। मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाई विष्णु सर YouTube.com पे लिखें और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।